अरे अरे तुला सो गाइस अभी हमारा यहाँ पे स्विच आ चुका है और स्विच यहाँ पे फिटिंग होने वाला है। फाइनली हमारा स्विच लग चुका है पीछे का। हाँ राइट देना। हाँ तो ये देखिए इंडिकेटर भी वर्क हो रहे हैं। सो गाइस अभी हमारा जो ब्रेक लाइट है उसको निकालने के लिए हमें पहले तो हमारा लाइक टॉप रैक है उसका एक सेक्शन है वो निकालना पड़ा। उसके बाद ये हमारा जो सैडल स्टे है उसको भी अभी निकालना है वहाँ से, फिर बाद में फिर ये पूरा निकलेगा, उसके बाद फिर ये निकलेगा। सो हे गाइस वेलकम बैक टू नील सिस्टम राइड। आज का वीडियो आपको तो पता होगा, थंबनेल देख के आपने जाना होगा किसके बारे में। तो हाँ मैं आज हमारे बाइक के ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ, तो उस मॉडिफिकेशन के ऊपर आज का वीडियो, जिसमें मैं ना बहुत सारे पार्ट्स को मैं चेंज करने वाला हूँ, बहुत सारा गाड़ी में चेंजेस होने वाले। तो ये सब चेंजेस है वो किस लिए हो रहे, तो आपको जल्दी मेरे आगे एक लॉन्ग राइड देखने मिलेगी, जो कि मतलब वहाँ पे मैं पहले भी जाके आ चुका हूँ पर बाइक से नहीं गया था, पर अभी मैं बाइक से जाने वाला हूँ। तो बाइक से वहाँ के प्लेसेस को और थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा, मतलब ज़्यादा टाइम मिलने वाला नहीं मुझे प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए, पर मैं एक्सप्लोर करने का ट्राई करूँगा। तो बेसिकली मैं आज मतलब पहले जाने वाला हूँ कुर्ला चोर बाज़ार। तो कुर्ला चोर बाज़ार के यहाँ से हम लेने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे कुछ जो कि अपने को यूज़फुल होने वाले। हमारा पूरा जो ये स्विच वाला है पार्ट, ये पूरा हमें चेंज करना है। ये वाला मेरे जो लेफ्ट में जो आपको स्विच दिख रहा है, ये स्विच पूरा गया है तो वो मुझे चेंज करना है। उसके बाद मेरा आगे का जो आपको मीटर दिख रहा है, मीटर का भी अंदर कुछ फेड हो गया है कलर, तो वो भी मुझे करना है। उसके बाद मतलब पूरा ये जो आगे का पूरा हेड सेक्शन है पूरा नया बिठाने वाला हूँ मैं। यहाँ पे है बाइक मार्केट, मार्केट में खोद दिया है समीर की तरह भाई। सो यहाँ पे अपना बाइक का जो भी सामान है ना आप ले सकते हो, पूरा बाइक भी बना सकते हो, इतना यहाँ पे इनके पास स्टॉक रहता है। सो गाइस फाइनली हम यहाँ पे आ चुके हैं कुर्ला बाइक मार्केट में, जहाँ पे आपको बाइक के सब प्रोडक्ट मिलते हैं। तो बेसिकली मुझे जो जो लेना था वो मैंने अभी जस्ट समीर भाई के शॉप पे मैंने वो प्रोडक्ट फाइनलाइज किए, और क्या क्या लेना है करके वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा लिस्ट पूरा, मतलब क्या क्या रेट में मिला है मुझे। और बाकी अपना बाइक देखिए यहाँ पे खुल चुका है, जिसमें अभी फिटिंग्स होने वाली है, तो क्या क्या है वो मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। तो बेसिकली आज के वीडियो में आपको देखने वाला है कि ये जो पल्सर का लोगो है ये भी मैं चेंज करने वाला हूँ। ये मेरा यहाँ से टूट गया था और इसके ऊपर का एक पट्टी जो रहता है सिल्वर वाला, वो पट्टी यहाँ से निकल गया है, तो ये भी चेंज करने वाला हूँ। फिर ये ट्राई करूँगा इनके अभी है क्या नहीं, अगर रहा तो ये भी चेंज करूँगा। उसके बाद फिर मेरा जो हेड है आप देख सकते हो, यहाँ से मेरा पूरा हेडलाइट का पार्ट सेक्शन मिसिंग है, प्लस यहाँ का जो एक कंसोल होता है स्विच लेफ्ट वाला, जो इंडिकेटर और हाई बीम लो बीम वाला, वो स्विच यहाँ से अभी निकाला है क्योंकि वो भी मेरा ख़राब हो चुका है। और मैं मिरर भी चेंज करने वाला, तो मिरर भी मोस्टली देखते हैं, मिरर अगर मिला यहाँ पे तो डोमिनर का लगाएंगे या फिर एनएस का लगा देंगे, वो बात की बात है कौन सा लगाना है। पर अभी मेन जो है हमारा काम वो हेड वाला पूरा, ये पूरा हेड पार्ट है जो जितना भी लाइक मीटर हो गया, मीटर मेरा फेड अप हुआ था पूरा वो, और जो लाइक वाइब्रेशन भी हो रहा था, मेरा विंडशील्ड भी टूट गया था वो भी मुझे चेंज करना था, और ये स्विच मेरा चल नहीं रहा था। तो ये रहा मेरा यहाँ पे पार्ट, आप देख सकते हो हेड, जिसमें देख सकते हो पूरा अंदर डस्ट है और बाहर से भी पूरा ये डस्ट हो चुका था और लाइट भी इतना आ नहीं रहा था खास। उसके बाद ये मेरा जो ये भी सेक्शन है ये भी चेंज करना है, और ये मेरा आएगा इंडिकेटर जो पहले का था वही लगने वाला है। तो ये तो था मेरा अभी का पार्ट है, वो जब नया लगेगा उसके बाद का आपको मैं सेटअप बताऊंगा, इसका फिटिंग बताऊंगा और पूरा प्रोग्रेस बताऊंगा। आज का वीडियो ये वीडियो इसी का रहेगा, जिसमें आपको मेरे इस बाइक का पूरा मॉडिफिकेशन मिलेगा, और इसमें और भी एक मॉडिफिकेशन करना है जो कि है मेरा ये लाइक ये हैंडल, तो ये हैंडल भी मैं चेंज करने वाला, पर अभी नहीं बाद में करने वाला, और उसका अलग से वीडियो बनेगा। तो उसके लिए हम जाएंगे जो जिसने ये हमारा हैंडल फिट किया था, हमारा एक फ्रेंड है सागर करके, सागर जो काफ़ी टैलेंटेड बंदा है सागर, तो उसके पास जाके मैं ये फिटिंग करने वाला हूँ। अगर अभी तक आप चैनल पे बने हो तो हिट दैट लाइक बटन, स्मैश दैट लाइक बटन। सो गाइस फाइनली हमारा स्विच आ चुका है, एक सेकंड देना।
सो ये देखिए, ये है स्विच, इस पे ये कुछ ऐसे रहेगा, ये लेफ्ट राइट, ये हॉर्न और ये अपर डिपर, और हमारा मीटर भी आ चुका है जो कि ये वहाँ पे, और ये कवर आ चुका है। सो गाइस अभी हमारा यहाँ पे स्विच आ चुका है और स्विच का यहाँ पे फिटिंग होने वाला है। फाइनली हमारा स्विच लग चुका है पीछे का, हाँ राइट देना, हाँ तो ये देखिए इंडिकेटर भी वर्क्स हो रहे हैं दोनों, देख सकते हो वर्किंग है वो, तो अभी लाइट नहीं है। देखिए यहाँ पे जो लाइट्स है वो भी वर्किंग हो रही है, तो जो हमारा पहले का सेटअप था वो फिर से आ चुका है। अभी हमारा जो बाइक का जो हेडलाइट सेक्शन है पूरा बनने वाला है। सो गाइस अभी हमारा जो मीटर है वो मीटर यहाँ पे चेक हो रहा है, देखते हैं अगर मीटर यहाँ पे वर्क हुआ तो यही लगाएंगे, नहीं तो फिर और कोई दूसरा देखते हैं। और मीटर में हमें सब चेक करना है, उसका ABS लाइक कंसोल होते हैं सब। लाइट नहीं आ रहा है, हेडलाइट था पूरा यहाँ पे असेंबल हो चुका है, और अभी ये वायरिंग फिट करके हम चेक करेंगे। मोस्टली हमने सब चेक किया है यहाँ पे जो जो उसका था, लाइक ABS भी चल रहा है, स्पीडोमीटर चल रहा है, इंडिकेटर चल रहे हैं, जो जो इसकी लाइक मेन जो होती है फंक्शनलिटी वो सब चल रही है, देख सकते हो ये इंडिकेटर लेफ्ट राइट पर। तो अभी फाइनल यहाँ पे फिटिंग हुआ, और उसके बाद फिर और एक चेंज करना है हमें, हमारा जो पीछे का ब्रेक लाइट है ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही जल रहा है, ये वाला बंद है, तो ये भी हमने लाया नया वाला जो कि यहाँ पे, ये देखिए ये है हमारा ब्रेक लाइट जो यहाँ पे लगने वाला है, फिर ये भी हमारा वर्किंग हो जाएगा हमारे आने वाले अपकमिंग लॉन्ग राइड्स पे यूज़ होगा ये सब। अभी उसके लिए हमें ये पूरा खोलना है, ये पूरा खोल के फिर ब्रेक लाइट निकालनी है, तो इसमें भी और टाइम जाने वाला है। सो गाइस अभी हमारा जो ब्रेक लाइट है उसको निकालने के लिए हमें पहले तो हमारा लाइक ये जो टॉप रैक है उसका एक सेक्शन है वो निकालना पड़ा, उसके बाद ये हमारा जो सैडल स्टे है उसको भी अभी निकालना है वहाँ से, फिर बाद में फिर ये पूरा निकलेगा, उसके बाद फिर ये निकलेगा, ये पूरा सेक्शन निकलने के बाद फिर हमारी ये ब्रेक लाइट हम फिट कर सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हो। सो गाइस फाइनली हमारी बाइक रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो ये हमारा मीटर भी लग चुका है, और ये देखिए पूरा कंसोल अभी प्रॉपर रीड हो रहा है यहाँ पे, किलोमीटर वो सब दिखेंगे प्रॉपर, और उसके बाद ये हमारा स्विच भी लग चुका है जिसमें आपका इंडिकेटर और ये सब प्रॉपर चल रहा है, पहले ये नहीं चलता था, इसमें प्रॉब्लम होता था, अगर मैं लेफ्ट राइट दबा रहा तो चल नहीं रहा था प्रॉपर, तो ये हो गया प्रॉपर। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा जो ब्रेक लाइट है ये भी हो गया है, ये भी पहले यहाँ का बंद था लाइन, अभी ये दोनों लाइन चालू है, तो ये भी हो गया सेटअप। तो फाइनली हमारी गाड़ी रेडी हो चुकी है, और भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है वो बाद में करेंगे। सो गाइस फाइनली यहाँ से अभी मैं निकल रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए आपको फोर व्हीलर के कैरियर्स भी मिलते हैं, मतलब बहुत कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको ना मतलब बहुत कुछ देखने मिलेगा, बहुत कुछ लेने मिलेगा, यहाँ के जो प्राइसेस हैं आपको ऑनलाइन से काफ़ी सस्ते मिलेंगे, और जो स्टोर है वहाँ से भी काफ़ी सस्ता मिलेगा, तो ये कुछ यहाँ का ऐसे स्टोर है। इसका ये स्टिकर है क्या? ये स्टिकर, हाँ आगे मिलेगा। अरे अरे नहीं, और यहाँ से अभी अपना निकलने वाले, तो ये वीडियो यही तक था, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा हमारा अगला बाइक मॉडिफिकेशन वाला ये पार्ट, तो देखते हैं क्या क्या आपको देखने मिलेगा। स्टे ट्यून्ड और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।